आओ बेटे चले। वाह वाह, अल्लाह ताला ने क्या ब्यूटीफुल बनाया इस इलाके को, जन्नत है जन्नत। और हां बेटे, तुम यह सुनकर शायद मेरी तरह बहुत खुश होगी कि इस जन्नत का मालिक सिर्फ एक ही शख्स है, मालिकुल दौला, जिनके हम मेहमान हैं। ये बात आप मुझे और कितनी बार बताएंगे मामूजान? बेटे ये हमारे लिए फख्र की बात है, हम बताएंगे और बार बार। हाँ, हम ही हैं मिस्टर शफो। तुम यकीनन मालिक साहब के आदमी हो। जी, आपके लिए मालिक साहब ने गाड़ी भेजी है, लाइए। वाह 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 वाह, भाई याददाश्त भी कमाल है मालिकुल दौला साहब की। हमारे आने का दिन, ट्रेन के आने का वक्त और खुद हमें याद रखा, वरना इतने बड़े आदमी की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। वाह 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 वाह, जन्नत है जन्नत, और इस जन्नत का मालिक सिर्फ एक ही आदमी है, मालिकुल दौला, जिनके हम मेहमान हैं। लगता है किसी बादशाह के महल में आ गए, ऐसा होता है स्टेट हाउस। पर भी बेटा, क्या आन है क्या शान है। देखो बेटा, मालिक ने घोड़े भी पाल रखे हैं, यहां तुम्हारा घुड़सवारी का शौक पूरा होगा। आओ बेटा आओ। वाह 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 वाह, वेलकम सर, वेलकम। आप? मैं स्टेट मैनेजर हूं सर। वाह 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 वाह, फिर तो आप वजीर आजम हुए ना जी मालिकुल दौला साहब के। पर भी बेटा, ये सब कुछ मालिकुल दौला साहब का है। बाबा खुद कहाँ होंगे मालिकुल दौला साहब? आप आराम कीजिए, वो इस वक्त निशाने की मशक कर रहे हैं। साहब गोलियां तो खत्म हो गई हैं। गोलियां खत्म हो गईं। अब अगर हमारा जी चाहे कि हम तुम्हें गोली मार दें, तो हम तो हो गए ना बेबस। साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई। सफाई नहीं चाहिए। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो इतनी मामूली सजा नहीं मिलेगी। गोली की जगह हम तुम्हारा दिल निकाल कर भर लेंगे अपनी बंदूक में। गेट आउट। साहब का मूड खराब हो गया। अगर बीवी को इजाजत हो तो फिर आपका मूड ठीक करने के लिए फ्रेश जूस पेश करें। थैंक यू वेरी मच। मालिक, मिस्टर शफो और उनकी भांजी पहुंच गए हैं। गुड, कहां है वो? गेस्ट रूम में है मालिक। ठीक है, रात खाने पर उनसे हमारी मुलाकात का इंतजाम करवाओ। वाह 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 वाह, किताबों में पढ़ा करते थे ऐसी शाहाना जिंदगी के बारे में, वाह आज अपनी आंखों से देख लिया। आओ शफो मियां बैठो। आपकी मेहरबानी, आपकी अनायत, आपका करम, आपकी नवाजिश हुजूर। आप भी तशरीफ रखे ना। थैंक यू। मालिक साहब, मेरी भांजी फरवा खान, प्यार से हम इसे फरवी कहते हैं। गुड,
फरवा बेटे, सलाम करो मालिक साहब को। हेलो। हेलो। हाँ शफो मियां। जी मालिक। ये हमारी बेगम है शीना। वाह वाह। आदाब। आदाब। और शीना ये शफो मियां है, बड़े रंगीन मिजाज आदमी है। इनसे हमारी पहली मुलाकात गवर्नर साहब की पार्टी पर हुई थी और वही हमने इन्हें अपनी स्टेट आने की दावत दी थी। हजूर आपका हुक्म था, सो बजा लाए। यू वेलकम। हमें फरवी पसंद आ गई है और हम उससे शादी करेंगे। वाह वाह वाह। और हम अपने दिल की मलिका बनाकर रखेंगे फरवी को। और हां हमारे वादे के मुताबिक ये सारी दौलत अब तुम्हारी है। तुम जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो। सर हजूर को छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं, मजबूरी है सरकार। और हां सरकार, उस यतीम बच्ची को मैंने जिन चाहतों से पाला था, आज कुदरत ने उसे वैसा ही चाहने वाला जौहर भी दे दिया। आप होश में तो हैं? आपकी जुरत कैसे हुई तलाक जैसा मनहूस लफ्ज अपनी जबान पर लाने की? वकील साहब माफ कीजिएगा, मेरी जबान इस तहरीर की मोहताज है जिस पर मालिकुल दौला साहब के दस्तखत मौजूद है। ये रहा आपके हक मेहर का चेक। मालिक साहब वादे के बहुत पाबंद हैं, वो किसी का हक नहीं मारते। ये अचानक फैसला कैसे कर लिया उन्होंने? उसी तरह जैसे हमने तुम्हें पसंद किया था अचानक। याद है तुम्हें, एक नजर तुम्हें देखा और दूसरी घड़ी तुम हमारी बीवी बन गई थी। मेरी कोई गलती, कोई गुस्ताखी? ना 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 ना, कोई गुस्ताखी नहीं, बस यूं ही वक्त पूरा हो गया है, दिल भर गया है तुमसे और हम एक और शादी करने वाले हैं। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? शायद मेरी जगह तुम लेने आई हो, लेकिन इस घर में किसी के लिए भी मुस्तकिल जगह नहीं है। क्या कह रही हैं आप, मैं समझी नहीं। तुम उस दिन समझोगी जिस दिन मालिक की 11 बीवियों की तरह तुम्हारे हाथ में भी तलाकनामा और आंखों में आंसू होंगे। हेलो फरवी, हाउ आर यू? खेलोगे हमारे साथ? मेरे मामू कहाँ हैं? मामू? तुम्हारे मामू चले गए। कहाँ? यूरोप की सैर करने। वो इस तरह कैसे जा सकते हैं? दौलत के घोड़े पर बैठकर गया है तुम्हारा मामू। मैं समझी नहीं। लोग दाश्ता खरीदते हैं और हमने बीवी खरीदी है 10 लाख रुपए के इवज। शफो मियां 10 लाख ले उड़े, अब वो वापस तभी आएंगे जब तुम हमारी बीवी बनकर उनका इस्तकबाल करोगी। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बीवी बनूंगी? मैं गाय भैंस नहीं, ना ही बिकने वाला कोई खिलौना। मैं एक पढ़ी लिखी बाहोश लड़की हूँ, ना बिकना मुझे कबूल है और ना ही किसी ऐसे इंसान से शादी करना जो मुझसे पहले 11 बीवियों को तलाक दे चुका हो। लड़की, फरवी नाम है मेरा और मेरे फैसले अटल होते हैं। Shut up! हम हुस्न के मामले में जितने कमजोर हैं, गुस्ताख जुबान रखने वाले के लिए उतने ही जालिम। एक बात याद रखना, अब हमारी मलकियत हो तुम, इनकार करोगी तो ये बेताब चमड़ी उतार दी जाएगी।
ने देखा, अब हमसे दूर जाना तुम्हारे अख्तियार में नहीं है परवेज। इसे हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा समझ लो। हमारे प्यार की यह जंजीर तुमसे कभी अलग नहीं होनी चाहिए। यह हर वक्त तुम्हें एहसास दिलाती रहेगी कि अब तुम सिर्फ हमारी हो और तुम्हारी जिंदगी में अब हमारे सिवा कोई और नहीं आ सकता। आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या आप बता सकती हैं कि मालिकुल दौला का स्टेट हाउस किधर है? आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप भी यही रहती हैं? जी हाँ। रुक क्यों गई मिस साहिबा? राइडिंग के दौरान रुकना राइडिंग का असूल नहीं, प्लीज। इन्हें स्टेट हाउस के लिए गाइड कर रही थी। ओके, सी यू। सी यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। मालिक साहब कहाँ है? टेनिस लॉन में है। टेनिस खेल रहे हैं? जी सर। बैट शॉट। हेलो फ्रांस। मालिक, How are you? I'm fine. You're looking fine. Oh, thank you very much. वैसे यार अगर तू इस सीजन पे भी ना आता ना तो हमने तुझे गोली मारने का फैसला कर। भाई गोली मारना तो तेरा खानदानी पेशा है। आ गया हूँ, मारनी है गोली तो मारते। चला इसी बात पर गेम हो जाए। अभी अभी तो मैं थक के आया हूँ यार। छोड़ना यार, थकना वकना कम। और यार नखरे वखरे ना यार, मैं थका हुआ आ रहा हूँ और देख फिर मेरी किट भी प्रॉपर नहीं है। अच्छा अच्छा, साले जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। याद है तुझे, हमने कॉलेज में भी कभी तुझे जीतने नहीं दिया था। लेकिन बेटा अब के मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हो गई? हो गई। इसका फैसला भी वक्त करेगा बेटे। ये मोहतरमा कौन है भाई? ये हमारी होने वाली नई बीवी है। कितनी शादियां करोगे यार? ये हमारी 12वीं बीवी है। तो बाकी 11 क्या क्रिकेट मैच खेल रही है? अबे नहीं यार, सब क्लीन बोल्ड हो गई, सबको तलाक दे चुके हम। ये तुम्हारी शादियों और तलाकों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा यार, लेकिन एक बात बताऊं तुझे, हमारी जिंदगी में आने वाली ये सबसे जिद्दी लड़की है। अच्छा, लेकिन है कुदरत का हसीन तोहफा। एक तोहफा मैं भी लाया हूं तुम्हारे लिए। रियली? कैसी है, पसंद आई? ओ ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। यार फराज, हम वाकई इतने खूबसूरत हैं या तुम्हारे हाथों ने बना दिया है? जैसा तुम समझ लो। ए फरवेज, इधर आओ, इधर आओ, कम ऑन कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। फराज ये फरवी है जिसके बारे में अभी हम तुम्हें बता रहे थे, और फरवी ये है फराज, हमारे बचपन का दोस्त साला। हेलो हेलो। द
दरअसल कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ा करते थे, इसकी और हमारी दोस्ती सिर्फ इसलिए चला करती थी कि ये साला हमारे सामने बोलता नहीं था, और जब मैं बोलता था तो ये सुनता नहीं था। और जो साले बोलते थे हम उन्हें मारते थे। फराज, isn't she beautiful? Yes, she is. इसके हुस्न को भी एक ऐसे ही कैनवस पर उतार दो ताकि इसकी तस्वीर भी हमारी तस्वीर के साथ लग सके। मुझे तेरी जान से ज्यादा कीमती है यह तस्वीर। बात है मालिक, मामूली सी बात है। तुम्हारे लिए यह बात मामूली हो सकती है लेकिन हमारे लिए नहीं। क्यों गिराई है तूने हमारे दोस्त की बनाई हुई तस्वीर? क्यों की है गुस्ताखी? मालिक प्लीज फॉरगेट इट। आओ चलो। सॉरी। नॉनसेंस। कम ऑन फराज, जंप इन। मेरा मूड नहीं भाई, तू तैर ले। अबे तेरे मूड की ऐसी की तैसी, साले अभी तक डरता पानी से? डरता नहीं हो। अरे अंदर आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे पानी में गोते देंगे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया? दिमाग किधर खराब हो? अरे मैंने अंडरवेयर भी नहीं पहनी। अंडरवेयर भी तू कर रहा है? आज तू बच के नहीं जा सकता बच्चे। अरे तेरा दिमाग चल गया, और सारी पुरानी यादें ताजा हो। तेरा दिमाग खराब हो गया, इतना ठंडा पानी। अरे तेरी ऐसी की तैसी, साले तुझे याद है हमने कॉलेज में भी तुझे नहर में धक्का दे दिया था? तेरी पैंट लेकर भाग गए थे और तू 3 घंटे पानी में बैठा रहा था। मुझे याद है बच्चू, मैं पानी में टिटरता रहा और तू बाहर दरख के नीचे बैठा जूली से रोमांस करता रहा। क्या याद दिला दिया तूने? जूली कभी मिली थी? हाँ यार मिली थी एक दफा अपने 3 जुड़वा बच्चों के साथ। और पता है क्या हुआ था? उसके बच्चे मुझे कह रहे थे मामू कैसे हो? तुम्हें और मामू? मामू। ए फरवी, कम ऑन। अरे यार कमाल है, इतनी बोर लड़की क्या कर रही है वहां पर? कम ऑन स्वीटहार्ट, तुम भी हमारे साथ स्विमिंग करो। कम ऑन, छोड़िए मुझे। फरवी तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो। हाँ कर रही। गेट लॉस्ट। झटकने वाली क्यों झटका उसने हमारा हाथ? अबे ओए, तुझे पता है हाथ झटक दिया हमारा? हाथ झटक दिया हमारा भाई ने? यार हाथ झटक दिया है, कमाल यार। हाथ ता ये हाथ जिसके लकीरों पर नाम लिख दिया है हमने उसका, वही हाथ झटक दिए यार, हाथ झटक। जाने दो मालिक, खत्म करो इस किस्से को या फिर मैं वापस जाता हूं। क्या बोला तू? वापस जाएगा? हाँ। उस यार को छोड़कर जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है? हाँ मैं वापस जाऊंगा। तो फिर चला जा वापस, चला जा यहां से, हम तुझे रोकेंगे भी नहीं। जा चला जा, वापस जाऊंगा, वापस जाऊंगा, वापस जाऊंगा, तो चला जा यहां से। और सुन, अब हम तुझे रोकेंगे भी नहीं, इसलिए क्या हम वो मालिक भी नहीं रहे? वो मैं देख रहा हूं, अब तो वो नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है तेरा। बहुत कुछ नहीं बदला फराज, अभी अभी एक रिश्ता और बाकी है तेरी और हमारी दोस्ती का। तो उसे भी बदल दे। नहीं फराज नहीं, दोस्ती सिर्फ दुश्मनी में बदलती है, और हम एक कभी देश जाएंगे तू भी ये नहीं जाना फराज, तू भी ये नहीं जाना, इसलिए कि अब हमारे पास सिर्फ यही एक रिश्ता बाकी है, दोस्ती का रिश्ता, बाकी बाकी सब मर गए फराज, सब मर गए। बोल बोल, नहीं बदलेगा ना तू?
जाएगा भी नहीं। नहीं जाऊंगा। फराज हमारे दोस्त, देख देख अब तेरे ना जाने की खुशी में हम एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे, बहुत बड़ी पार्टी, अ ग्रैंड पार्टी। ये कहता है सर।
अलीबाबा अलीबाबा। जिसके ऑनर में पार्टी है वही पार्टी से इतना दूर दूर है। जी नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी पार्टी। आपसे तफसील से तारुफ तो हुआ ही नहीं। मेरा तारुफ यही है कि मैं मालिक का दोस्त हूँ और एक मुसव्विर हूँ। अच्छे मुसव्विर की अच्छी तस्वीर ही मेरी कमजोरी है। अच्छा, खैर मैं इतना अच्छा मुसव्विर तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको अपनी तस्वीरों का तोहफा जरूर दूंगा। कब? आपकी और मालिक की शादी पर। ये शादी नहीं होगी। क्या कह रही हैं आप? जो कह रही हूं वो होगा भी और आप देखेंगे भी। लेकिन मैं तो I'm sorry। अरे किस बात की सॉरी, अंधे हो तो दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन टकराए तो आप हैं। हम टकरा सकते हैं, तुम हमसे क्यों टकराए? I'm sorry। अरे सिर्फ सारी से काम नहीं चलेगा मिस्टर, हाथ जोड़कर हमसे माफी मांगो। अरे देख कर क्या हो, माफी मांगो हमसे, माफी। क्या बात है भाई, क्या हुआ फरास? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ऐसे ही क्या, बदतमीजी की इसने, हमसे टकरा गया। हम आ रहे थे, हमारा रास्ता नहीं छोड़ा साला, और माफी भी नहीं मांगता, तो टके का इंसान। शिराजी, फराज हमारा दोस्त है, और भाई ये पार्टी भी तो हमने इसी के ऑनर में दी है। अरे तुम्हारे दोस्त की ऐसी की तमीज सिखा अपने घटिया दोस्त को, माफी नहीं मांगता। हाँ हाँ सिखा देते हैं, सिखा देते हैं। अच्छा तुम आओ, आओ। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो साले छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा। ओह शिराजी, कम ऑन माय फ्रेंड, गोली मार दूंगा। ओके ओके, सिखा देते हैं। नहीं छोड़ूंगा, कम ऑन, टेक इट इजी, गोली मार दूंगा। शिराजी, तुमने हमारे दोस्त को गोली मारने का कहा और हम तुम्हें गोली मारते हैं। अब भी पूछ कि फराज हमसे क्यों टकराया? बोल, अब करेगा हमारे दोस्त की बेइज्जती, बोल राजन। राजन, हमने इसे मार दिया है। बहुत अच्छा किया, पिस्तौल मुझे दीजिए, इसका इंतजाम करो। हो जाएगा सर। सफेद। यस सर। ये कत्ल तुमने किया है। ओके सर। पुलिस को यही बयान देना है, समझे? ठीक है सर। वो जानवर है, भेड़िया है, मौत और जिंदगी खेल समझता है। कुछ भी है वो मेरा दोस्त है। आप उसे दोस्त समझते हैं? ऐसे दोस्तों का वजूद सांप के जहर से ज्यादा मौलिक होता है। तुम अपना मूड और शक्ल मत बिगाड़ो, वरना तुम्हारी पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी। मत बनाइए ये तस्वीर। ये मेरी नहीं, मालिक की ख्वाहिश है। आप भी उसकी ख्वाहिशों के गुलाम हैं? कोई नहीं जो उसके सामने हक और सच की बात कर सके। लेकिन तुम्हारी पेंटिंग बनाने में किसी की हक तल्फी होगी? मैं नहीं समझता। एक यतीम लड़की को उसका मामू बेच कर चला जाए, एक बेबस लड़की को मालिक उद्दौला जबरदस्ती अपनी बीवी बनाना चाहे, एक औरत की आजादी की हक तल्फी नहीं होगी?
लेकिन शादी जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। ये कौन कहेगा उसे? आप कहेंगे? मैं कहूंगा। एक बेबस लड़की को मालिक उस तौला जबरदस्ती अपनी बीवी बनाना चाहे, क्या ये ज्यादा नहीं है? मालिक, शादी करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें दोनों ही की मर्जी शामिल हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं तुम्ही से कह रहा हूं मालिक। फराज, तुम हमारे दोस्त हो और हम चाहेंगे कि हमारे दोस्त ही रहो। हम अपने आप को मशवरों से बालातर समझते हैं। आइंदा ऐसा कोई मशवरा ना देना जो हमारी ख्वाहिश के खिलाफ हो। डोंट माइंड इट। हा, दरअसल ये हमारी फितरत है जो हमें विरसे में मिली है और हम इसे बदल नहीं सकते। चलो छोड़ो, कम ऑन और शिकार खाएं। कम ऑन फरवे, कम ऑन। परवे, ये जो आग पर हिरनी भूनी जा रही है, इसने बहुत कोशिश की कि ये हमारे निशाने से बच जाए। बहुत बड़ी बड़ी छलांगे लगाई इसने, बहुत दूर तक भागी, लेकिन फिर भी ना बच सकी ये हमारे निशाने से, बेचारी। सर, खान साहब का फोन आया है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, हेलो जी खान बहादुर साहब। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल, वी आर एंजॉइंग हियर। हाउ आर यू? हाँ, हमारी नई शादी जी बहुत जल्द होने वाली है। नसरी की चुरा रही। लड़की पसंद कर ली है, बहुत खूबसूरत है। पिछले मैं जवाब सुनना चाहती हूँ ज्यादा हसीन मालिक का। उसने मुझे इस मामले में ना बोलने के लिए कहा है। और आप मान गए? मजबूरी है। आप भी मजबूर हो गए? मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। फराज साहब, क्या दोस्ती इंसानियत से ज्यादा बुलंद है? How do you like it? परवी, शायद तुम बोर हो रही हो। Come on, तुम भी हमारे साथ खेलो। आओ। मत छुइए मुझे। तुमने हमारा हाथ झटका, मालिक का हाथ झटका, जिसको थाम कर लोग फख्र महसूस करते हैं, और साथ को झटका तुमने। ये मेरा हक है। तस्वीर क्यों नहीं बना रहे हैं? आज नहीं। क्यों? तुम्हारे चेहरे पर दाग है। चेहरे के दाग तो आपने देखी है, दिल के दाग कौन देखेगा? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कब? आप मेरी मदद कीजिए।
कैसी मदद? मुझे यहां से ले चलिए। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे आपकी आंखों में अपनी आजादी के रास्ते नजर आते हैं। नहीं फिर भी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे दोस्त की होने वाली बीवी हो। मैं सिर्फ एक मजबूर लड़की हूं। आप जानते बूझते मेरे दर्द को महसूस नहीं कर रहे। मालिक आपका दोस्त है, लेकिन मैं उसकी कुछ नहीं लगती। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं ना उसकी बीवी हूँ, ना मगेतर हूँ, ना दास्ता हूँ। लेकिन वो तो कहता है कि तुम उसकी होने वाली बीवी हो। मैं कहती हूँ आप मेरे शौहर हैं। आप मान लेंगे? नहीं। तो भी जान जाइए, कहने से रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं खून से, जज्बात से, दिल की गहराइयों से, दिल की गवाहियों से। प्लीज फराज, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अस्तबल में ले जाओ। परवी कहाँ है? वो नहीं आई सर। क्यों? तुमने उसे बताया नहीं कि हम कितनी बेचैनी से पोलो ग्राउंड में उसका इंतजार कर रहे थे? उन्होंने कहा है कि वो एक वक्त में एक ही हुक्म मान सकती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपके पहले हुक्म पर फराज साहब से अपनी तस्वीर बनवा रही हैं। Woo!
तेरी हाथ में मेरे हाथों की तू है ताजगी, तेरा दरबार है मेरी बंदगी, तू नहीं तो कुछ नहीं जिंदगी, तेरा प्यार सूरत, बहुत हसीन, सब ठीक है, लेकिन यार ये जो तुमने अपना नाम लिखा है ना, इसे मिटा दो, इसलिए कि हम फरवी के दामन पर किसी और का लिखा नाम देख नहीं सकते, चाहे वो हमारे अपने दोस्त का ही नाम क्यों ना हो। बाबा जी सर, फराज साहब को बुलाओ। मालिक आज उनकी तबीयत खराब है, खाने पर नहीं आएंगे। हेलो, आप खाने पर क्यों नहीं आए? बस यूं ही, भूख नहीं थी मुझे। आपको मालिक की बात नागवार गुजरी है, वो क्या जाने मेरे दामन पे किसका नाम लिखा है। मैं कल जा रहा हूं। आप ऐसे नहीं जा सकते। हेलो फराज, सुनो। यस सर। मालिक साहब कहाँ है इस वक्त? सर मालिक साहब सो रहे हैं। आप जानते बूझते मेरे दर्द को महसूस नहीं कर रहे। मैं ना उसकी बीवी हूं, ना मगेतर हूं, ना दास्ता हूं। फराज, तुम यहां क्यों आई हो? मालिक के पहरेदार और उसके कुत्ते। मैं किसी कुत्ते से नहीं डरती। आपने फोन क्यों बंद किया? मैं बहुत परेशान हूं फरवी, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए या फिर मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए, इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तुम इस वक्त यहां से जाओ, मुझे सोचने दो। जो फैसले बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं वो भी तो गलत हो सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? जो दिल कहता है वो करो, जो जमीर कहता है वो करो, जो मोहब्बत कहती है वो करो। दिल जमीर मोहब्बत तो यही कहते हैं कि तुम्हें दुनिया की नजरों से कहीं दूर ले जाऊं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आया,
लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। परवेज, तुम्हारी सोच अभी खत्म नहीं हुई। हमारा ख्याल है हमने सोचने के लिए तुम्हें काफी वक्त दे दिया है। लेकिन मुझे कुछ और वक्त चाहिए। सोचने का वक्त खत्म हो चुका है परवी। 3 रोज बाद तुम बाकायदा हमारे निकाह में आ जाओगी। मगर इससे पहले मैं एक बार शहर जाना चाहती हूँ। जरूर जाओ। मैं अकेली जाना चाहती हूँ। जरूर जाओ। मैं ट्रेन से जाना चाहती हूँ। जरूर जाओ। लेकिन अपने उठने वाले हर कदम, अपने धड़कने वाले दिल की हर धड़कन और अपने सीने में बसने वाली हर सांस के साथ ये सोचती जाना कि तुम जहां भी होगी हमारी पहुंच से दूर नहीं होगी। फराज, ये पैकिंग क्यों? मैं जा रहा हूं मालिक। जाने का अचानक फैसला कर लिया है तुम दोनों ने। हां, वो फरवी को भी जाना है शहर। अच्छा। दरअसल उससे अपने कुछ दोस्तों से मिलना है। लेकिन यार तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो कुछ अरसे के बाद वापस आना है ना मेरी शादी में। मैं आ जाऊंगा, कुछ काम है मुझे। बहुत जरूरी काम है। हाँ। वादा किया है किसी से? क्यों ही समझ लो। तुम ऐसा करो, फरवी को भी अपने साथ लेते जाओ। लेकिन मेरे और उसके रास्ते अलग अलग हैं मालिक। पक्की बात? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? है नहीं आओ। इस वीक की आखिर में मेरी फरवी के साथ शादी है और तुम्हें जरूर आना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं जाऊं? जाओ। सुनो। जी। कल शाम तक तो वापस आ जाओगी ना? आप शाम की बात कर रहे हैं, मैं तो कल दोपहर तक ही आ जाऊंगी। मैं चलती हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया है। खुदा हाफिज।
दीवाना है दिल मेरा तेरे ही नाम का। दिल में उतर गई आंचल हल्का वो शाम का। दीवाना है दिल मेरा तेरे ही नाम का। पसंद आई तुम्हें? नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? मैंने एक महल पसंद किया है, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मुझे उसमें बसने की इजाजत दे दो। कहां है वो महल? यहां तुम्हारे इस दिल में है वो महल। मैं इसी में जीना चाहती हूं और इसी में बनना चाहती हूं। परवी, मैं दुनियावी चीजों को चाहने वाले मतलब इंसानों में से नहीं हूं। मैं तो एक रूह हूं और एक रूह से प्यार करती हूं, और रूहों के बसेरे सिर्फ दिलों में होते हैं फराज। चाहे दिन निकले चाहे रात रहे, चाहे
दुनिया की जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन मालिक के हाथ उससे भी ज्यादा बड़े हैं। जो सजा देनी है मुझे दे, छोड़ दे मेरे फराज को, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे फराज को, छोड़ दे कमीने। फरियाद करती रहो, हुक्म मत सुनाओ, हुक्म सुनाने का हक सिर्फ मालिक का है। फराज मारे दुश्मन, हमने दोस्त बनकर तुम्हें इशारा दिया था कि हम फरवी के दामन पर किसी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो तस्वीर का दामन हो और चाहे वो हमारे दोस्त का नाम। याद है, याद है तुझे? बहुत बड़ा जहाज बनाया था हमने तुम्हारी और अपनी दोस्ती का, लेकिन वो जहाज आज सिर्फ तुम्हारी कमींगी से पैदा होने वाले एक छोटे से सुराख की वजह से डूब गया। और जब जहाज डूबने लगता है तो हर तरफ मौत ही मौत होती है, मौत ही मौत। तुझे मार दिया तो हमारे अंदर इंतकाम की जो आग भड़क रही है वो बुझेगी कैसे? हमें ठुकराया, एक मामूली और घटिया इंसान के लिए। अरे इससे ज्यादा घटिया इंसान होगी और तुम्हारी जिंदगी होगी। हम तुम्हें बहुत ऊंची जगह बिठाना चाहते थे, लेकिन अब कोठी खाने जैसी घटिया जगह पर बैठोगे तुम और रोज एक नए मर्द की बाहों में होगे तुम। यही तुम्हारी बेवफाई की सजा है, यही हमारी नफरत का इंसाफ और यही आग के रास्ते पर चलने का अंजाम।
यही हमारी जिद है। खाने से लड़की ले जाने वाला आज लड़की लेकर आ गया? नहीं मैडम, ये लड़की नहीं, मालिकुल दौला का इंतकाम है। उन्होंने कहा है इस लड़की से इंसानों जैसा सलूक नहीं होगा, इसे बेमोल बेचो और इस तरह बेचो इसे अपनी किस्मत से नफरत हो जाए और अपने आप से भी, ये मोहब्बत को भी तरसे और मौत को भी। गुड। ये जख्म कैसे लगा? ये जख्म इसके खूबसूरत चेहरे पे मालिकुल दौला ने लगाए हैं और इसके खूबसूरत जिस्म पे जख्म मैं लगाऊंगा। कर बुलबुल, तेरी इज्जत को कोई मेरी निगाह से नहीं देखेगा सिवाय मेरे। आजा, आजा। बहुत खबीस आदमी हूं, जब अपना लहू चाटता हूं ना तो मेरी खबासत वहशत में बदल जाती है। तूने मुझे
नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। मैं जानता हूं कि चिड़िया बास को नहीं मार सकती। तो फिर मैं अपने आप को मार डालूंगी। मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े तो हो सकता है, ना पाप नहीं। लानत है मेरी किस्मत पे,
यस, काम खत्म हो गया? यस मैडम। बच जाएगी ना? आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं तो बेहतर है। ऐसे केस हॉस्पिटल नहीं जाते। सलोनी? यस मैडम। इसका ख्याल रखना। डोंट वरी मैडम, मैं इसका ऐसा ख्याल रखूंगी कि इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होनी चाहिए। क्यों मैडम? मेरा मतलब है तकलीफ होनी चाहिए, होनी चाहिए। बस इसे मरना नहीं चाहिए। बड़ी नजरों से इसने मुझे ऐसे देखा लाला, जैसे ये मरना न चाहता हो। शायद शायद ये बच जाए लाला। ठीक है, चलो इसे घर ले चले। हाँ, हाँ चल। कैसा वो? लाला, उसे होश आ गया है। अच्छा? हाँ। मैं देखता हूँ उसे। साहब, आज यकीन हो गया, जिसे खुदा जिंदगी दे उसे कोई नहीं मार सकता। वैसे तुम्हारा बच जाना एक मौजजा है। नहीं साहब, नहीं अहिलो, नहीं साहब, अभी तुम्हारे जख्म ताजा है, तुमको उठने में तकलीफ होगी। शुक्रिया। अरे साहब, हमको शुक्रिया क्यों बोलता है? ये सब कुछ तो शानों का किया धरा ही तो है। वो पता नहीं तुमसे कहां बेहोश मिल गए थे। शानो, इधर आओ, इधर आओ। श्याम, ये शानो है, अपनी बहन। श्याम, अगर किसी को खबर करना है तो अपना पता बताओ, हम इतला कर देगा। कोई दोस्त, कोई अपना,
अच्छा एक बात बताओ शाह, ये किस जालिम ने इतनी बेदर्दी से मारा है तुमको? दोस्त ने। दोस्त ने? दुश्मन बनने के बाद। तुम दिल छोटा मत करो शाह, अगर एक दोस्त छिन गया तो समझो दूसरा दोस्त मिल गया। शाह हम गरीब जरूर हैं लेकिन दोस्त बनकर दुश्मन कभी नहीं बनेगा। ना चाहती है ये तेरी जिद है और तू बचेगी नहीं, ये मेरी जिद है। इसे मुझसे मैं तेरा चेहरा भी नोच लूंगी। तेरी जिद सिर्फ एक है और तेरी ये जिद तोड़ने के लिए मेरे पास 101 जुल्म है। तेरे आखिरी जुल्म तक और अपनी आखिरी सांस तक मैं फराज की इज्जत को बचाऊंगी। शट अप। बोल अब करेगी जिद? कमीनी तेरी ये आँख इसकी आग पे हावी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसी तरह जुल्म की चक्की चलाती रहो, यही हमारे साथ उसकी बेवफाई की सजा है। कब तक नहीं पिसेगी वो इस चक्की में? मगर सर, ज्यादा जुल्म किया तो वो मर जाएगी। नहीं मैडम, उसे मरना नहीं चाहिए। वो मर गई तो हम उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी तौहीन का बदला नहीं ले सकेंगे। हमें उसकी कुचली हुई जिंदा लाश चाहिए। अभी तुम चल फिर नहीं सकता, बहुत कमजोरी है। चोट तो नहीं लगी? पता नहीं। ये लो शाम, गोली के जख्म से फिर खून निकलने लगा और तुम बोलते हो तुमको पता नहीं। जख्म में दर्द नहीं होता क्या? जो दर्द मैं सह रहा हूं दोस्त, उस दर्द ने हर दर्द का एहसास मिटा दिया है। ये कमबख्त जिस्म मेरी रूह और मेरे इरादों का साथ नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं?
साहिबा, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। सच? क्या कर रही हूँ? इधर हमारे इलाके में ना एक मेला लगता है साहिबा, जहाँ सारी लड़कियाँ अपनी मन्नतें मानती हैं, जो जरूर पूरी होती हैं। आज आज मैं भी कुछ मांगूंगी साहिबा। अच्छा। आई
रहे हो साहिबा? जो तू नहीं सोच सकती। मैंने तो जो सोचना था सोच लिया, और जो मांगना था वो मांग लिया। पता है कल रात मैं तेरे साथ क्यों गया था? मुझे भी कुछ मांगना था। सच साहिबा? हाँ, जब तू अपने लिए कुछ मांग रही थी तो मैं भी अपने लिए किसी को मांग रहा था। मैं समझ गई साहिबा, तूने मुझे को मांगा है ना। साहिबा देख, मैंने तेरे कपड़े धो भी डाले हैं और सी भी डाले हैं, लेकिन तू इन कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगता है। शान। हाँ? आ बैठ। हाँ, क्या बात है? बात तेरे दिल की है और मेरे दिल की है। मैं समझती हूँ। तू गलत समझती है। मुझे अफसोस है कि मैं तेरा मासूम सा दिल तोड़ रहा हूं। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता हूं। साहिबा, ये तूने क्या कह दिया साहिबा? मैंने तो मुझे अपना मुजरिम मत समझ शानू, बल्कि समझने की कोशिश कर कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और वो प्यार मैं कर चुका हूं परवीज से, जो इस प्यार की सजा पाकर न जाने कैसे जी रही होगी। तेरा प्यार है मेरी बंदगी, तू नहीं तो कुछ नहीं जिंदगी। तेरा प्यार है मेरी बंदगी, चला दे यहां। अब तू भी भाग जा सहेली, मैडम घर पे नहीं है, भाग जा। सलोनी, क्या कह रही है तू? मैं भाग जा, भाग जाऊं? मैं एक मुकम्मल औरत तो नहीं हूं, लेकिन एक अच्छी औरत के जज्बात मुकम्मल तौर पे समझती हूं। सहेली तू भाग जा, भाग जा, भाग जा। लड़की, जेल से भागना आसान है, लेकिन मेरे कोठी खाने से भागना बहुत मुश्किल। बोल, कहां से लिया है ये खंजर? किसने दिया है तुझे ये खंजर? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल, बोल, मैं कहती हूँ बोल, किसने दिया है तुझे ये खंजर? जवाब क्यों नहीं देती? कौन है काली भेड़ मेरे कोठी खाने में जो तेरी मदद कर रही है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जवाब दे। बोल, जवाब क्यों नहीं देती? Thank you.
छोटी सी जगह, यही मेरा सब कुछ है। पसंद आई तुम्हें? मैं यहां नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? मैंने एक महल पसंद किया है, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मुझे उसमें बसने की इजाजत दे दो। कहां है वो महल? यहां तुम्हारे इस दिल में है वो महल। मैं इसी में जीना चाहती हूं और इसी में बनना चाहती हूं। तेरी ख्वाहिश पर तुझे यहां लाया हूं साहब, ये न समझना मैं तुझे अकेले छोड़ के चला जाऊंगा, तुझे साथ लेकर वापस जाऊंगा। और अभी शाम तेरे जख्म इस कदर नहीं भरे कि तू अकेला जी सके या अकेला लड़ सके। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने दुश्मन से उसका गिरेबान पकड़कर उसे हिसाब लेना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी फरवी, मेरी मोहब्बत किस हाल में है। सहेली, तेरा प्यार कितना सच्चा और ताकतवर है कि कोई जालिम भी इसे नहीं मार सका। इस काले घर में रहते हुए भी तेरे दामन पे कोई दाग नहीं लग सका। यही तेरे प्यार की सच्चाई है सहेली। हाँ नहीं साहब, रुक जाओ, मुझे जाने दो। साहब मेरा रास्ता मत रोको। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए साहब? तुम्हारे जख्म फट गए तो जिंदगी जिंदगी अब सिर्फ अपनी मोहब्बत के दुश्मन से टकराना और अपनी मोहब्बत को ढूंढना है। मुझे यकीन है कि मेरी फरवी जिंदा है और वो जालिम की कैद में है। पहले मुझे उसका पता करने दो शाम, फिर कोई कदम उठाओ। अभी उठे हुए कदम रुक नहीं सकते खान। जोश से निकलो शाम, होश में आओ। बताओ मुझे अपने दुश्मन का नाम बताओ साहब, क्या नाम है उसका? मालिक, मालिक दौला। मैनेजर, यह सब क्या है? सर, इस नौजवान के पास बहुत उम्दा बाज है जो बेचना चाहता है। बुलाओ इसे। ए, इधर आओ। सलाम साहब। गुड, इसे जो कीमत चाहिए दे दो। बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब। अगर गुस्ताखी न हो तो एक बात पूछ सकता हूँ साहब, वो फरवी बेगम साहब कहाँ है? ओ नहीं साहब, मेरे पास उनके लिए भी एक तोहफा है। बहुत चिड़िया मेरे पास साहब, मैं जानता हूँ उन्हें चिड़िया बहुत पसंद है साहब। ये क्या किया आपने साहब? तुम्हारे बेबाक सवाल का यही जवाब है। बेवकूफ, शायद तुम अब भी नहीं समझे, चिड़िया पसंद करने वाली बास पसंद करने वाले का शिकार हो गई है। क्या मतलब? वो खत्म हो गई? नहीं नहीं, वो जिंदा है। और एक ऐसी जगह है जहां हर रोज एक ऐसे ही बाज उस पर झपटता है। ये तुमने क्या सुना दिया खान? ये तुमने क्यों सुना दिया? कह दो ये सब कुछ झूठ है। कह दो खान, कह दो कि ये सब कुछ झूठ है खान, कह दो। ये सच है शाम? चाचा कि तुम उसकी मौत की खबर लाते खान। मार दिया उन्होंने मेरी फरवी को, जीते जी मार दिया उन्होंने मेरी फरवी को, जीते जी मार दिया। उस बदनसीब लड़की किसे सकती हुई जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूं खान।
मैं उसे मालिक जैसे जानवर की वहशत से नहीं बचा सका। क्या सोचती हो कि वो मेरी मोहब्बत, मेरे वादे, मेरा खुलूस सब कुछ झूठ था? क्या सोचती हो कि वो रास्ता न रोकना खान, मुझे जाना है, परवी को बचाना है, मर जाना है या मार डालना है। मारे मालिक, देखने आए हो मैं किस हाल में हूं। तुम्हें शायद ये सुनकर दुख होगा कि यहां खलासत की दुनिया में रहकर भी मेरी रूह और जिस्म पाक है। ये दोनों आज भी फराज से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुमसे नफरत। हम सब कुछ भूल कर आए हैं और अब तुम भी भूल जाओ, यही हम चाहते हैं। हमारे जाने से क्या होगा? तुमने तो पहले भी बहुत कुछ चाहा था, जो ना हो सका। तुमने अपने जुल्म से एक औरत का दिल जीतना चाहा, नहीं जीत सके। तुमने अपने अंदर की गलासतों को मेरे माथे पर थोपना चाहा, नाकाम रहे। तुमने अपने बारूद से मेरे फराज को मारना चाहा, नहीं मार सके। फराज मर चुका है, जिंदा है, इसीलिए तो मैं भी जिंदा हूं। हकीकत को जानो बेवकूफ, ये जिंदगी जिंदगी नहीं है। तेरे लिए ये जिंदगी नहीं और मेरे लिए इस तरह जीने में कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं तो यहाँ पहुँच कर भी फर भी रही, लेकिन तुम मुझे यहाँ पहुँचा कर तल्लाल बन गए। इस कोठी खाने के दलालों में और तुम में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनकी लाई हुई लड़कियां मजबूर होकर बिक गई और तुम्हारी भेजी हुई लड़की बच गई। बकवास बंद करो। ये हमारे दिल की भूल थी कि हम यहाँ चले आए, बहकावे में आ गए अपने दिल के, और सब कुछ भूल कर फिर से अपनाने का सोच लिया तुम्हें। गलत सोचा था तुमने, मत भूलो मालिक। मेरे मुकद्दर की लकीरों में सिर्फ एक ही नाम लिखा है, फराज। तुम मुझे जीते जी उससे नहीं मिलने दोगे तो क्या हुआ, हम मरकर मिलेंगे। Oh, you shut up! छोड़ मुझे। मुझे जिंदा रहना है, तुम मरकर भी फराज से नहीं मिल सकती। हम मिटा कर रहेंगे तेरे दिल से उसका प्यार। हम प्यार के दीवाने, हम प्यार करेंगे, हम प्यार के दीवाने, हम प्यार करेंगे। Yeah.
नमाज वाले, तुम्हारी ये जुर्रत, इस बदतमीजी का मतलब? मतलब मुझसे पूछो। तुम जिंदा हो? पर भी कहां है? मुझे नहीं। फर्जी कहां है? मुझे नहीं पता। शीशा, फर्जी कहां है? ये ऐसा नहीं बताएगा शाह, मुझे इसे गोली मारने दो। बस बस बताता हूं, बताता हूं। वो मैडम मुसरत की कोठी खाने में कैद है। ठीक कह रहा हूं सर, फराज जिंदा है और उसे पता चल गया है कि फरवी मैडम के कोठी खाने पर आए। किसने बताया उसे? किसने? दिलावर ने सर। और मालिक, फराज और उसके साथी ने दिलावर को भी मार डाला है। हेलो, सुनो, फराज मैडम के कोठी खाने तक ना पहुंच पाए और रास्ते पर उसकी मौत बन के खड़े हो जाओ। दोस्ती का कसम है शाह, जाओ जाओ शाह।
आंसू बहाने थे सो बहा चुकी। अब तुम्हारे नासों की कीमत इन जालिमों को अपने खून से अदा करनी होगी। हाँ मेरे साथ पिंजरा इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। ये बहुत जालिम औरत है, इसने मुझ पे बहुत जुल्म किए। मैं तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब लूंगा फरवी। हम बिल्कुल ठीक है साहब, हमारे जीते जी तुमको कोई नहीं मार सकता। सहेली, शायद जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। सलोनी, शहबाज खान, शाह, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे रास्ते का कोई दीवार नहीं है। तुमको तुम्हारा प्यार मुबारक हो। अब हम जाता है शाह।
नहीं शहबाज खान, क्या था? दुश्मन सारी दीवारें गिर गई, लेकिन एक चट्टान अभी बाकी है। आज कोई चट्टान मेरा रास्ता नहीं रोक सकती मालिक, मान जाओ कि हार तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। नफरत ने तुम्हें मारा, लेकिन मोहब्बत पाने की आस ने तुम्हें मरने ना दिया, और तुम ये समझ बैठे कि तुम मालिक से ज्यादा ताकत के मालिक बन गए। ये समझने लगे के मालिक हार गया। नहीं, आना मालिक की शान नहीं। तेरी शान जुल्म की पहचान है, और जब जुल्म सालिम के सर से ऊंचा होता है तो वो सर सलामत नहीं रहता। कल तूने मेरे फराज को गोलियां मारी थी, आज तेरी बारी है। Thank you.
अपने आप को चट्टान और पहाड़ कहने वाले, सिर्फ एक गोली से टूट कर तुम मेरे कदमों में गिर सकते हो, एक गोली से। लेकिन नहीं, मैं ऐसी चीज चाहता हूं जिसे तुम हमेशा याद रखो। याद रखो कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ जर्फ से होता है, दौलत से नहीं। और मेरा जर्फ जान लेना नहीं, जान बख्शना है। मालिक, मालिक, आज हमें मालिक मत कहो। मालिक तो वो है जिसके पास हम जा रहे हैं। ये तूने क्या किया पागल? हम दोनों में से किसी एक को तो मर रही था, और जैसा फरवी ने कहा कि अब मरने की बारी हमारी है। खुश रहो तुम दोनों, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई और हमारी नफरत हार गई। फरवी, फराज के लिए तुम बहुत रोई हो, अगर हो सके सिर्फ एक आंसू हमारे लिए भी बहा देना, हम समझ लेंगे कि तुमने हमें माफ कर दिया। फराज, हमारे तो मालिक, मेरे दोस्त।